यहाँ पर कोहरे और ठुठरन के बीच में आपका स्वागत है। हमारे कैमरामैन दिनेश नागर हमारे साथ मौजूद हैं, पूरी कैमरा टीम। और ये नोटबंदी असर महीने के आखिर में कैसे दिखाएगी बताने के लिए, लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं भाई साहब सुर्खियों की तरफ, हेडलाइंस में डाल लेते हैं ताजा जहां उसी में बात लौट के आते हैं और फिर बातचीत के सिलसिले को तमाम देश भर के अपने सहयोगियों के साथ जुड़ेंगे। पहले नजर सुर्खियों पर। जी हाँ, और इस ठिठुरन तो नहीं कहेंगे लेकिन हाँ, फौज भरी दिल्ली में आपका स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को रोकेंगे लेकिन यहाँ पर क्योंकि तमाम सारे लोग इकट्ठा हैं तो बातचीत का शुरुआत करें। लेकिन मैं आपको बता दूं कि पैसे की गर्मी, नोटबंदी की बात, मुश्किलातों के बीच में महीने का आखिर है साहब, तो मुश्किलें बढ़ेंगी या कुछ कम? मुश्किलें बढ़ेंगी सर, बढ़ेंगी, तनख्वाहें आ जाएंगी, बिल्कुल बढ़ेंगी जी। तो इस सिलसिले को जोड़ेंगे लेकिन हम आपको बताएं कि हमारे साथ मुंबई से हमारी सहयोगी मौजूद रहेंगी, शायद वहां पर सूरज ठीक से निकला होगा तो बताएंगी। लेकिन यहाँ दिल्ली में हाल बताने के लिए पायल हमारे साथ मौजूद रहेंगे, साथ ही हमारे साथ संसद भवन के बाहर हमारे सहयोगी अमित हमारे साथ मौजूद रहेंगे। उधर पटना में क्या हालचाल है, राजनीतिक सरगर्मियां क्या हैं, हमारे सहयोगी चंद्र मोहन भी वहां से हमारे साथ जुड़ेंगे और उनसे भी बातचीत के सिलसिले को जोड़ेंगे। लेकिन हम आपको बता दें कि महीने के आखिर में साहब दिक्कतें बढ़ने वाली हैं या कुछ कम होंगी? दिक्कतें डबल होने वाली है। क्यों, तनख्वाहें आ जाएंगी? तनख्वाह तो आ चुकी है, तनख्वाह आए ना आए, ये देखिए आज ये जीरो कर रखा है इन्होंने, ये अपने करंसी छूने में डर रखा है। रिजर्व बैंक की करंसी है ये आप जो इन्होंने जिसको नकली कहते हैं ये। हाँ हाँ, इतने सारे लेके कहाँ घूम रहे हैं? जमा कराने जा रहे हैं बैंक में, क्या करेंगे? सुबह सुबह निकल लेते हैं, सुबह सुबह निकलेंगे, शाम तक नंबर आएगा, ये भी कल जाके ऐसा पता नहीं करेंगे नहीं करेंगे। भाई एक जमाना था, एक जमाना था इसको इतना इतना अगर दिख जाता था तो गर्मी अंदर तक आ जाती, और आज इसको देख लो मेरी ठंडा मौसम की तरह है हाल। बहरहाल इस तमाम बातचीत के सिलसिले को सिर्फ यहाँ पे जो मौजूद लोग हैं सुबह सुबह मेट्रो स्टेशन के बाहर उस बातचीत के सिलसिले को जोड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले नजर डालेंगे कि महीने के आखिर में क्या दिक्कतें, क्या तकलीफें आने वाली हैं, आएंगी, लाइन में ज्यादा खड़ा होना पड़ेगा क्या, इस पर एक रिपोर्ट। नोटबंदी का आज 22वां दिन है लेकिन कैश की कतारें अब भी बरकरार हैं। नवंबर तो जैसे तैसे बीत गया लेकिन दिसंबर का क्या होगा, नया महीना शुरू हुआ है तो तनख्वाह भी खाते में गिरने ही वाली है। नौकरी पेशा तबके की टेंशन का यही सबब है, या तो तनख्वाह खाते में आ गई है या बस आने ही वाली है। लेकिन करें तो क्या करें, खाते में पैसा होने के बावजूद कैश निकालने की टेंशन है। वित्त मंत्री ने नोटबंदी के बाद एटीएम मशीनें दुरुस्त करने के लिए 2 से 3 हफ्ते का वक्त मांगा था लेकिन 22 दिन बीत जाने के बाद भी एटीएम मशीनें दुरुस्त होना बाकी हैं। इक्का दुक्का एटीएम काम कर रहे हैं जहां कतारें देखकर ही डर लगने लगता है। आरबीआई ने कैश निकालने की सीमा में रियायत तो दे दी, पहले से लगी हुई लंबी लंबी कतारों की हालत उस वक्त क्या होगी जब तमाम लोग तनख्वाह लेने उसी लाइन में लड़ने पहुंच जाएंगे। सवाल यही है कि आरबीआई की रियायत का फायदा तो तब मिलेगा जब बैंक की कतारों से जंग जीतकर आम आदमी काउंटर पर कैश खत्म होने से पहले पहुंच जाएगा। वित्त मंत्री को काला धन सफेद करने वालों के लिए कानून बनाने की जल्दी है लेकिन हर महीने खाते में पड़ने वाली सफेद रकम बैंक से बटुए तक पहुंचाने की जल्दबाजी के लिए कोई नया नियम नहीं है। विपक्ष संसद ठप कर रहा है तो कहीं सड़कों पर धरने चल रहे हैं लेकिन आम आदमी के साथ या उसकी जगह लाइनों में लगने वाला नेता पिछले 21 दिन में नहीं दिखा। प्रधानमंत्री मोदी ने देश की जनता से 50 दिन का वक्त मांगा था, पीएम अब भी देश को प्लास्टिक मनी और कैशलेस होने के गुर दे रहे हैं, तो क्या इसका मतलब ये समझा जाए कि महीने भर दफ्तरों में खून पसीना बहाने वाले नौकरी पेशा युवा की तकलीफ नए साल से पहले कम होने वाली नहीं है? जी हाँ, तो दिक्कतें आने वाली हैं, महीने का आखिर है, तनख्वाहें पहुंच जाएंगी और फिर लोगों का एक कतार लंबी देखने को मिलेगी। सवाल इस बात का है कि जो लोग इस बारे में बातचीत करने के लिए मौजूद है हमारे साथ फुटपाथ पर रोज की तरह, उनके सिलसिले को तो हम जोड़ेंगे लेकिन सबसे पहले रुक करना चाहेंगे हम मुंबई में जहां पर इस वक्त हमारे साथ हमारी सहयोगी शिवांगी मौजूद हैं। शिवांगी, इस वक्त सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे वहां पर कुछ कोहरे की चादर है या हटी है या सूरज निकला है, क्योंकि दिल्ली वाले ये भी जानना चाहते हैं कि तकलीफें वहां कम हैं या ज्यादा हैं या किस तरह की।
देखिए प्रतीक, दिल्ली की तरह यहाँ कोहरा तो नहीं छाया है, लेकिन लोगों की जो भीड़ है वो जरूर छाई है। इस वक्त मैं खड़ी हूँ बैंक ऑफ महाराष्ट्र के बाहर, और आप देखिए किस तरह से सुबह सुबह यहाँ बैंक के बाहर जो है भीड़ लगी हुई है। लोग जो है वो बैंक के बाहर भीड़ लगाकर खड़े हुए। यहाँ दो अलग अलग लाइनें बनाई गई है, सीनियर सिटीजन के लिए अलग लाइनें हैं, जो बाकी के लोग हैं उनके लिए अलग लाइनें। एक्सचेंज कराना है, किसी को डिपॉजिट कराना है, पैसे विड्रॉ कराने हैं, लोग परेशान हैं। लोगों से बात करते हैं और जानते हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे कब से खड़े हैं यहाँ पर आप? एक घंटा हो गया। पैसे मिले आपको? नहीं, अभी नहीं मिले, अभी चालू ही नहीं हुआ बैंक। महीने का आखिरी दिन आ गया है, कैसे काम चलाएंगी मैम आप? कल 10 दिए, आज 10 के लिए आए वापस। पैसे मिल रहे हैं आपको? कल भी 10 दिए, आज 10। कल 3 घंटा खड़े थे इधर ही, कल भी 3 घंटा खड़े थे आप लोग। आपको पैसे मिले? नहीं मिले, इसलिए तो बैंक वाले बोल रहे कल आओ, लाइन लगाते लाइन में। मैम, आपसे जानना चाहेंगे कि आपको हमने काफी देर लाइन में देखा, पैसे मिले आपको? नहीं, पैसे नहीं मिल रहे मैडम, रोज आ रहे जा रहे, कुछ नहीं हो रहा, बहुत प्रॉब्लम है। सीनियर सिटीजन होके भी बोलते लाइन में आने का, सिर्फ FD देने का तो भी बोले लाइन में आने का, बहुत तकलीफ है। और बहुत तकलीफ है प्रतीक, देख सकते हैं लोग तकलीफ में। यहाँ और लोग हैं, उनसे बात करेंगे। सर, आप बताइए। मैं पहली बार इधर आया हूँ, न्यू लेके आया हूँ, मेरा पूरा दिन इधर जा सकता। बिल्कुल बिल्कुल, जो लोग हैं उनका साफ कहना है कि महीने का आखिरी दिन है और जो पूरा दिन है वो बैंकों के बाहर उनका चला जाता है। ऐसे में काम जो है वो छोड़कर, घर बार छोड़कर, अपने बच्चों को छोड़कर लोग लाइन में खड़े हैं, लेकिन पैसे जो है बिल्कुल वो मिलने में काफी दिक्कत हो रही है। और फिलहाल मुंबई कर काफी परेशान नजर आ रहे हैं प्रतीक। बिल्कुल शिवांगी, और इस बात को शायद समझा जा सकता है कि आप अगर महीने के आखिर के बिल्कुल नजदीक है और उसके बाद तनख्वाहें आने वाली है, सरकार भी जाहिर सी बात है इस बात को लेकर परेशान होगी, सोचा होगा क्या प्लान है। जानेंगे, अमित हमारे साथ, हमारे सहयोगी पार्लियामेंट के बाहर मौजूद हैं, नेताओं के साथ मौजूद हैं, लेकिन एक सवाल के साथ मैं उनके पास जाना चाहूंगा कि नेताओं के अकाउंट्स की जानकारी मांगी गई है। जी अमित। जी प्रदीप, बिल्कुल। यहाँ पर अगर दिल्ली में दो तरीके का अलग अलग माहौल है, पहला तो कोहरे की घनी चादर है, जिसका आज के दिन कम से कम आम दिल्ली वाले एक तरीके से उनको अच्छा लग रहा है, लेकिन संसद में यहाँ पर नोटबंदी की वजह से जो कोहरे की चादर है लगातार बरकरार है। और हरीश खुराना जी हैं यहाँ पर, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना के बेटे भी हैं और भाजपा के नेता भी हैं। पीएम ने एक कल स्पष्ट निर्देश दिया था बैंक अकाउंट को लेकर, क्या इंस्ट्रक्शन है और किस तरीके से लेकर पढ़ेंगे? देखिए, हम जिस प्रकार से एक मुहिम चल रही है देश के अंदर काला धन वापस लाने के लिए, प्रधानमंत्री मोदी जी उसके ऊपर बहुत स्पष्ट है कि हमें जो काला धन रखने वाले हैं उनके ऊपर सख्त एक्शन होगा। आखिरी मौका दिया गया है कि जिनके पास काला धन है 50% महीने का अंतिम दिन है, क्या उन्होंने अपने बैंक अकाउंट डिटेल्स देने के इंस्ट्रक्शन दिए हैं? देखिए, सब MPs को, सब MLAs को और जो लोग BJP के प्रमुख लोग हैं उनको अपने अपने 8 तारीख से लेके अब तक, मतलब 31 दिसंबर तक जो भी होगा, जितने ट्रांजेक्शन हुई है पूरी बैंक, आपने तैयारी कर ली है? बिल्कुल निश्चित तौर पे, क्योंकि हम एक बात स्पष्ट है, राजनीति के अंदर जब हम आए हैं तो एक शुचिता की राजनीति करने आए हैं, कोई दाग ना लगे, हम इसके ऊपर निश्चित तौर पे हमेशा अपनी बात रखने के लिए हम लोग मजे हुए खिलाड़ी की तरह ही कह रहे कि इन्होंने अपनी तैयारी कर ली है। आपके यहाँ पर नुमाइंदे हैं, आपकी तो पार्टी यहाँ पर मांग ये करी वापस ही लिया जाए ये पूरा का पूरा नोटबंदी का? देखिए, जैसे शुरुआत से ही आम आदमी पार्टी और हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि ये उसके पीछे की मंशा पे हमें शुरू से शक है, और अब तो धीरे धीरे साफ होता जा रहा है। जैसे प्रधानमंत्री जी को सपने में गंगा माँ आकर के बताती हैं कि साहब पहले तो कोई चवन्नी भी नहीं डालता था, अब तो नोट के नोट डाल रहे हैं 500 के, और उसके बाद उन्होंने कहा कि कई जगह नोट जलाए गए। अब धीरे धीरे आप देखिए कि देश के लोगों को उम्मीद थी कि काला धन वालों के काला धन सामने आएगा। ये थे आम आदमी पार्टी के नुमाइंदे, कांग्रेस के यहाँ पर हैं मोहम्मद खान है। आप बताइए, 30 तारीख तक अपने बैंक जो डिटेल्स हैं ये ट्रांसपेरेंट तरीके से पेश कर देंगे? खुराना साहब, आदर और सम्मान के साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि ये कदम हमें थोड़ा खोखला लगता है, खासतौर से इस वजह से क्योंकि 8 से 18 तारीख क्यों ज्यादा महत्वपूर्ण कदम होता अगर आप लोग RTI में ले आते पार्टी को। तो इनका ये कहना है कि RTI में ले आते तो अलग अलग जो लोग हैं इनकी अलग अलग यहाँ पर राय है, लेकिन यहाँ पे हमें एक राय है। लोगों का कहना है कि सुबह सुबह साहब लाइन के लिए निकल जाते हैं लाइन में, क्या? हाँ हाँ, क्या बहुत भीड़ आता है सर, इस लाइन लाता है बाद में बोलता है छुटा ही नहीं, बैंक खाली हो जाता है, चेंजे नहीं मिलता, चेंजे नहीं मिलता है। कौन जिला? मधुबनी जिला। मधुबनी जिला, क्या बात है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होते हैं। जब बिल्कुल पूछेंगे आपसे, ब्रेक छोटा सा ले लें, ब्रेक के बाद मैं हाजिर होता हूँ, आप थोड़ा सा रुकिए मेरे साथ, वक्त एक छोटे से ब्रेक का।
जी हाँ कैलाश कॉलोनी मेट्रो स्टेशन में आपका एक बार फिर स्वागत है। जनता यहाँ पे मौजूद, नाराज भी है, महीने का आखिर है। जी हाँ, तनख्वाहें मिलनी है और सबके हाथ में एक एक पैसे निकालने आए थे। आप क्या कर रहे हैं? मैं ड्यूटी करने जा रहा था। अच्छा, साथ में साथ में टीवी भी देख रहे हैं? देख रहा हूँ, लाइव देख रहा हूँ। अच्छा अच्छा, वही कौन सा सिम है आपका? जियो सिम। क्या बात है, मुझे हुजूर सवेरे सवेरे पैसे दिखा रहे हैं। मैं घर भेजना चाहता हूँ, वो कहते हैं कि अगर वाइफ के अकाउंट में डालना चाहता हूँ, बोलते हैं उसका साइन लेकर के आओ, उसकी आईडी लेकर के आओ। अरे मेरी घरवाली का अकाउंट है, उसके अंदर अगर हम उसको बच्चों को पैसे नहीं भेजेंगे। कहाँ भेजने हैं आपको? मुझे यूपी भेजना है। तो कहते हैं नहीं, उसी बैंक में वहीं पर जाके पैसे जमा करो। ऐसे कैसे हो सकता है? ये पैसे किस काम के हैं? ये पैसे किस काम के हैं, हमें बताइए, पैसे किस काम के हैं? ये पैसे किस काम के हैं? चेहरा ईमानदारी का देखना चाहते हैं तो देख जाइए, घूम जाइए। मेरे लिए मतलब अगर मैं ये कहता हूँ मेरे पास सब्जी के लिए पैसे नहीं है इस टाइम, आप ऐसी बात करो। प्रधानमंत्री का चुनाव करो तो शादीशुदा आदमी का चुनाव करो जिससे बाल बच्चों का पता हो। सवेरे 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 सोशल मीडिया पे ही नहीं, लोग बहुत मूड में होते हैं, बड़े मूड में होते हैं। सोशल मीडिया पे ही नहीं, चुटकुले लोग चुटकुले यहाँ पे भी शेयर कर सकते हैं। जी जी, मैं आ रहा हुजूर अली। लेकिन हमारे सहयोगी चंद्रमोहन इस वक्त पटना में मौजूद है, जहाँ रैली करने के लिए ममता बनर्जी पहुंची हुई। पीछे का हाल मुझे दिख रहा है, लेकिन चंद्रमोहन कुछ और बहुत जोड़ सकते हैं उसमें। जी चंद्रमोहन जी, बिल्कुल, देखिए अभी हम मौजूद हैं पटना के गर्दनी बाग इलाके में, जहां पर ममता बनर्जी 1 बजे के करीब यहां पर पहुंचेंगी। यहां पर उनका धरना है नोटबंदी के खिलाफ। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ममता बनर्जी कोई भी अगर कदम उठाती हैं तो नीतीश कुमार और लालू यादव का साथ जरूर मिलता है। लेकिन यहां पर पटना में ममता बनर्जी पहुँच रही हैं यहाँ पर धरना देने के लिए। लेकिन इस नोटबंदी को लेकर नीतीश कुमार ने पहले अपने आप को अलग कर लिया था, साफ तौर पर प्रधानमंत्री के कदम को सही बताया था। और कल जब शाम में ममता बनर्जी वहां पर लालू यादव से मिलने पहुंची थी, तो लालू यादव ने कहा था कि इनके जो धरना देने पहुंची हैं इनके लिए सारी शुभकामनाएं मेरे साथ हैं। लेकिन वो उनके पार्टी के लोग यहाँ आएंगे या नहीं आएंगे, ये उन्होंने खुले तौर पर कुछ नहीं बोला। और जो अभी नज़ारा देखने को मिल रहा है, इसमें साफ तौर पर नज़र आ रहा है कि ममता बनर्जी अकेले यहां पर बैठेंगी, क्योंकि लालू यादव ने ये कहा था कि शुभकामनाएं मेरी साथ है, मतलब वो शायद उनकी पार्टी की तरफ से कोई ना आए। तो ममता बनर्जी बिहार में पटना में पहुंच रही हैं नोटबंदी के खिलाफ धरना देने, लेकिन जो हर बात पर उनके साथ देने वाले लोग हैं वो कहीं ना कहीं उनका साथ नहीं दे रहे हैं। ममता शायद अकेले यहाँ पर नोटबंदी के खिलाफ धरना पर बैठेंगी। प्रतीक, बिल्कुल चंद्रमोहन जी, मैं आपके पास आऊंगा, रुक करूंगा बातचीत को, पटना से जानने की कोशिश करूंगा। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, यहाँ पर कोहरा काफी है, मौसम में ठंडक है, नोट कहीं गायब है। और इसी नोटबंदी पे हम बातचीत के सिलसिले को जोड़ रहे हैं, सीधे रुक करेंगे कनॉट प्लेस। कनॉट प्लेस में हमारी सहयोगी पायल भुवन मौजूद है। पायल, जहाँ आप मौजूद हैं, बैंक के बाहर कतार है, वहाँ ये सवाल क्या है, कितना बड़ा है कि महीने के आखिर में क्या हाल होने वाला है लोगों का? जी पायल, प्रतीक, तस्वीर अगर आप देखें तो मेरे साइड में बहुत सारे बैंक है और बहुत सारे एटीएम है। एक में लाइन लगी है, बाकियों में लाइन नहीं है। एक तस्वीर ये लगेगी देखने में पहली नजर में कि बैंकों के आगे तो लाइन नहीं है, एटीएम के आगे लाइन नहीं है, शायद स्थिति सुधर गई है। लेकिन हकीकत ये है कि यहाँ पे जो एटीएम है उनमें पैसे ही नहीं है। लोगों से बात करते हैं, भाई साहब यहाँ पे लाइन में खड़े हैं, क्या दिक्कत है बताइए, महीने का आखिर कैसे गुजरेगा? अभी तो बैंक खुला नहीं है जी। हाँ। बैंक खुलेगा जब देखेंगे, इसका टाइम बनेगा। हाँ। शादी आपकी बेटी? शादी, हाँ, शादी, लड़के की शादी। पैसे लेने आए हैं, अब देखते हैं बैंक में मिलता कि नहीं मिलता, मिलेगा तब लेंगे। सर ये बताइए कि आप महीने का आखिर कैसे चलेगा? जब अमाउंट नहीं मिलेगा तो हमारा महीने का खर्चा कैसे चलेगा? तंगी होगी, हम तो लाइन में लगे हुए हैं, आगे देखते हैं क्या होता है। हालांकि वो प्रॉब्लम दिक्कतें तो यही है। अब इनके इनके लड़के की शादी है, हमारे साथ ही काम करते हैं, इनके लोगों ने मदद की है। अब 50,000 रुपए चाहिए आज के डेट में इनको यहाँ से, तो 50,000 मिलेंगे नहीं, 10,000 दे रहे हैं। महीने का आखिर कैसे चल रहा है भैया? थोड़ा रो पीट के तो चल रहा है, लेकिन फिर भी ठीक ही है। मतलब सबसे ले दे के काम चल रहा है, अब क्या करेंगे, ले दे के काम और क्या करेंगे। मैं एक चीज और कहना था कि जो कल कई चैनल दिखा रहे थे कि काला धन जो है कि जितना आना चाहिए था उतना तो आया नहीं है। चलिए, ये यहाँ पे लोगों की राय, प्रतीक आपने सुनी, लोगों ने कहा है कि रो पिट के काम चला, लेकिन आज भी बैंकों की लाइन में खड़े हुए। महीने का आखिर है, चिंता यही है कि आखिर चलेगा कैसे, अगला महीना गुजरेगा कैसे। जी हाँ पायल, आपके बगल में एक आवाज सुनाई पड़ रही थी,
शख्स कह रहे थे कि भाई काला धन जितना आना चाहिए था उतना तो आया नहीं। अरे इंतजार करिए हुजूर आली, अभी देखिए क्या क्या आना है, अभी दवा इंतजार करिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद इसी फुटपाथ पर बातचीत के सिलसिले को जोड़ेंगे और आप बने रहिए हमारे साथ। यूं ही यहाँ भागती दौड़ती और हाँफती दिल्ली में आपका इस फुटपाथ पे राहत के लिए थोड़ी देर इंतजार करते लोगों के बीच में आपका स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को फिर से जोड़ेंगे। लेकिन हाँ भाई, क्या कैसा चल रहा है इधर आजकल? मंदा चल रहा है, लोग बैठ नहीं रहे रिक्शे? नहीं बैठ रहा है, 500,000 नोट का बदल से तो रिक्शा पे बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है? खुला पैसा नहीं है ना, इसलिए तो पैदल ही चल रहा है आजकल। चल रहा है, हमारा कमाई खमाई सब बर्बाद हो रहा है। बर्बाद हो रहा है? हाँ जी। पैसा अच्छा नहीं बैठ पा रहे हो? नहीं नहीं, अकाउंट है? अकाउंट है? अकाउंट मेरा नहीं है यहाँ पे। और घर में? घर में, गाँव में है, वो है अकाउंट है। तो एक अकाउंट है ना तुम्हारा? तो साहब पैदल चल रहा है, पैदल हो गया नहीं, पैदल चल रहा है। तो बस बातचीत के सिलसिले को फिर से जोड़ते हैं, फाइल हमारे साथ मौजूद। फाइल एक बात बताइए, आप रोज सबका हाल बताती हैं, आपका आज मैं हाल पूछ लेता हूं। और बताइए, आप पूछ रही थी ना कि महीने के आखिर में सबका कैसा हाल चल रहा है, मैं आपसे पूछता हूं, सब कुछ बेहतर है ना? प्रतीक, आप महीने का हाल पूछ रहे हैं यहाँ पे, लेकिन आपको बता दें कि हम तो हर दिन यहीं पे किसी ना किसी बैंक के आगे या एटीएम के आगे हैं। तो हाल मैं जनता से ही पूछ लेती हूँ, जनता का क्या हाल है सर, ये बताइए कि पैसे निकालने आए हैं, कैसे कट रहा है महीना? मैडम जी, हम 4 दिन से डेली आ रहे हैं और क्या नाम जी, लाइन में लगते हैं और लाइन जो बैंक तक पहुँचता है तो कहते हैं कि केस खत्म है। अब बताओ केस चले, घर के अंदर खर्चे नहीं है और बड़े बड़े लोगों को तो कोई परेशानी नहीं है, उन्होंने तो ब्लैक मनी जो है अपनी व्हाइट मनी कर ली। चलिए भैया, आप बताइए महीने का एंड कैसे चल रहा है? मैम इस टाइम महीने का एंड बहुत दिक्कत कर रही है, क्यों मैं खर्चे के लिए भी दूसरे से उधार मांगना पड़ रहा है, सैलरी भी इस टाइम अभी हमारे अकाउंट में आई नहीं है। अच्छा भैया, आप बताइए कैसा चल रहा है? महीने का एंड तो बहुत बुरा चल रहा है जी। अगला महीना कैसा चलेगा, उम्मीद क्या है? उम्मीद ये है कि पैसा यहाँ से निकालेंगे तो फर्स्ट क्लास चलेगा, फिर और नहीं निकालेंगे, नहीं निकालेंगे तो दिक्कत है। सर आप बताइए कैसा चल रहा महीने का? बहुत बुरा हाल है जी। क्यों? पैसा ही नहीं मिलता, कहीं से बैंक से खत्म हो जाता जब तक नंबर आता। चलिए तो प्रतीक, आपने यहाँ पे लोगों का हाल देखा, लोगों कहना है कि महीने का जो आखिर है वो खराब चल रहा है और बैंक से उम्मीद करें कि पैसे इनको मिल जाए ताकि अगला महीना जो है वो इनका अच्छा गुजर जाए। जी पायल, और लोगों का उम्मीद करेंगे बेहतर गुजर जाए, हालांकि एक लिमिट होती है विड्रॉल की, वो था उस एक बात है बैंक की, 24,000 रुपए। बहुत ठंड पड़ रही है क्या? तो जेब में हाथ में पैसे हैं कि नहीं है? ऐसा सर, पूरे दिन कल भटके हुए हम। कल पूरे दिन भटक गए? किसी में कैश ही नहीं था। कैश ही नहीं था जी, पूरे दिन भटक गए। आप जा रहे थे, आ रहे थे या सब रुक गए? मैं ये देख रहा क्या हो रहा है तमाशा। मैं तो मोदी जी, मैं समझे मोदी जी के बारे में कुछ चल रहा है, मैं मोदी जी ने ऐसा काम कर दिया। हाँ। किसी के बस का है नहीं। हाँ। ये बाकी जो नेता है ना, उनकी दुकानें बंद हो गई हैं, उनकी बिजनेस ठप हो गए हैं। हाँ। अब वो घर के रहे ना घाट के। अच्छा, जनता तो 90% मोदी के साथ है, 10% काला धन वाले बच्चे हैं बाकी के साथ में। साथ में बहुत अच्छा। क्या नाम है आपके? मेरा नाम राघव, आर एस राघव। राघव साहब ने बता दिया, पूरी राजनीति की गणित समझा दी। लेकिन और भाई सब ठीक है ना, इंतजाम सब बढ़िया? भूखा रहता हूँ, क्या करेगा, पैसे नहीं भरता तो भूखा रहता हूँ। अरे झूठ ना बला करो भैया, भूखा कौन रहता है आज के जमाने में? पक्का 5 नोट बंद हो गया ना तो दिक्कत चला। 5,000 रोड खाता था क्या? बैंक अकाउंट लेता ही नहीं, बोलता चेंज नहीं देगा, अभी प्रूफ आई डी खोलता है। देखो हमको बनाता है, सोचता की फुटपाथ पे ही नहीं निकलते होंगे, मैं तो रोज ही फुटपाथ पे घूमता हूँ। क्या साहब, वाह क्या बात है, कुर्ता बहुत अच्छा पहना है आपने। अरे साहब वेरी, बहुत ही बेहतरीन साहब। क्या नाम है आपका? शिव प्रसाद उपाध्याय जी। उपाध्याय जी, ये नोटबंदी जो है इससे क्या असर पड़ा आपके ऊपर? कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, आप तो खिले हुए लग रहे हैं मुझे। बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, 2-4 दिन की प्रॉब्लम थी। हाँ, तो सही हो गई। सही हो गई। आपका क्या व्यवसाय है? मैं पुजारी हूँ मंदिर में। हाँ, ये मुझे लग गया था, देख के लगा, लेकिन जो खिले हुए रूप दिख रहा था उससे मुझे लग रहा था पूछना चाहिए आपसे। बिल्कुल बिल्कुल। और प्रॉब्लम नहीं है। नेताओं को क्या हाल है? नेताओं को प्रॉब्लम है, असली प्रॉब्लम नेताओं की है। हाँ हाँ, अच्छा तो मैं रुक कर लेता हूँ सीधे, और सीधे चलता हूँ संसद भवन के बाहर, जो हमारे सहयोगी अमित मौजूद है और वहाँ पे बातचीत के सिलसिले को जोड़ते हैं। क्यों भैया? हाँ भैया जी। प्रतीक बिल्कुल, यहाँ तक जब से हम स्टैंड बाई में थे तो थोड़ा सा माहौल गर्म यहाँ पर हो गया था। आपके यहाँ पर प्रवक्ता विवेक यादव, हरीश खुराना जी हैं। मैं छोटा सवाल पूछूंगा, सबसे बड़ा 30 तारीख हो गई है, कुछ तैयारी है?
देखिए मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि ये पूरा घोटाला सामने आने लगा है। आपकी कुछ तैयारी है? मैं आपको बोल रहा हूँ, देखिए बिल्कुल जिस तरह से लोगों को उम्मीद थी, फोन आना चालू हो गए गांव देहात से, हमारे घर से फोन आ रहे लोगों के, लोग कहते हैं पड़ोसी के घर में काला धन, मुझे उम्मीद थी कि पकड़ा जाएगा, लेकिन अब तो मोदी जी ने कह दिया सब काला सफेद कर ले, 50% उनको सारा टैक्स और इनकम टैक्स और सरचार्ज लगा के पेनल्टी लगा के 50%। अब जिसका काला धन है उसकी मेहनत की कमाई, इनका कहना है कि इनको फोन आना शुरू हो गया है दिक्कतों का, आप लड़ाई 20 तारीख है, तैयारी कुछ नहीं है, 1 करोड़ का बोलने दी, अब बोलने दी, तैयारी इस वक्त क्या है, लड़ाई है इस वक्त सुचिता की और वर्सेस अदर्स, वर्सेस अदर्स। आज मैं एक छोटा एग्जांपल दूंगा, आपको याद होगा आप भी उस वक्त गवाह थे, एक क्रांति आई थी मोबाइल क्रांति, उसके बाद क्या हुआ, सब लोगों का मोबाइल सब कुछ ये वो, आज एक बच्चे के यहाँ गरीब आदमी के यहाँ भी मोबाइल है, एक व्यवस्था बदलने की शुरुआत हुई है, सुन लीजिए, एक व्यवस्था बदलने की शुरुआत हुई है। मोदी जी ने कहा 50 दिन दीजिए, अरे डिसीजन ठीक है या गलत है ये तो जनता डिसाइड करेगी ना, जनता डिसाइड करेगी, उनको आप 50 दिन तो दीजिए, उनको करना था, उनको जो करना था उन्होंने कर लिया, उनको आप 50 दिन तो दिए, आपने उनको देना नहीं, 50 दिन दे तो सही उनको कम से कम, 50 दिन कह रहे हैं। एक और कांग्रेस के यहाँ पर नुमाइंदे हैं यहाँ पर, आप तो इसको रोल बैक के खिलाफ नहीं है? देखिए मंशा पे हम सवाल नहीं उठाते, उद्देश्य पे सवाल नहीं उठाते, मगर क्रियान्वयन पे हमने जरूर सवाल उठाए, आपके सामने सबूत मौजूद है। मुझे इज्जत के साथ इनकी बातें थोड़ी बचकानी लग रही हैं, ये वही रेटरिक है जो हम पिछले 20 दिन से सुनते आ रहे हैं। दुख की बात यह है कि लोगों को परेशानी हुई है, 132 बार इन्होंने रणनीति इन्होंने बदली है अपनी स्ट्रैटेजी, और लोगों को जो परेशानियां हो रही हैं उसको इन्होंने, तैयारी है कल 1 तारीख है। देखिए मैं हम बार बार ये कह रहे हैं पहला हफ्ता इनके लिए बहुत मुश्किल रहेगा, बहुत मुश्किल रहेगा। एक बात को अभी कांग्रेस वाले कहे बचकानी, 10 साल उनके प्रधानमंत्री शांत रहे, लेकिन एक एक प्रधानमंत्री जो एक स्टेप तो ले रहा है कम से कम, चाहे वो गलत है या सही हो, जनता डिसाइड करेगी ना। पार्लियामेंट में क्यों आके नहीं बोलते फिर, अगर इतने ही उन पे भरोसा है और यहाँ पर माहौल जो है वो यहाँ पर गर्म, अपनी अपनी यहाँ पर ये राय रख रहे हैं जी, हमें दौर बातचीत राय क्या बहस हो रही है, और बहस बड़ी गर्मा गर्म है, और शायद को सोच रहे हैं गर्मी वहां से पैदा होगी, लेकिन यकीन मानिए यहाँ पर जो लोग खड़े हैं अभी अभी आप पूछेंगे बस वो कह देंगे भूखे हैं, हैं भूखे हैं, पांडे तो ना चल नहीं रहे, नहीं लेंगे क्या, चेंज ही नहीं हो रहा है, क्या करते हो काम, क्या करते हो, चलो मसाज पार्लर में बाल काटता हूँ, काम करता हूँ। हाँ अच्छा, हेयर कटिंग का काम करते हो जी, तो टिप आजकल नहीं आ रही है ना? नहीं नहीं नहीं। हाँ ये बात है मुश्किल, हमने समझ ली, पकड़ ली बात, लेकिन मैं सीधा रुक करूंगा पटना जहाँ हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं जी, और रैली जम रही है, रैली जमेगी इसके बारे में जानेंगे। बिल्कुल देखिए अभी हम मौजूद हैं उसी गर्दनी बाग इलाके में जहां पर अब से थोड़ी देर बाद ममता बनर्जी पहुंचेंगी, और ये कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी का जो वक्त है वो 1 बजे के बाद का है, जैसा तस्वीरों में आप देख सकते हैं साफ तौर पर यहाँ पर कुर्सियां लग चुकी हैं, लेकिन लोग अभी तक नहीं पहुंचे हैं। हालांकि जब पार्टी के धीरे धीरे लोग यहाँ पर पहुंचेंगे उसके बाद पता चलेगा कि ममता बनर्जी जब यहाँ पर पहुंचेंगी उनका कितना सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन बिहार सरकार की अगर हम बात करें तो नीतीश कुमार तो पहले ही केंद्र सरकार के साथ हो लिए हैं, और उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि प्रधानमंत्री ने जो कदम उठाया है वो बिल्कुल सही है, और कल शाम लालू यादव से जब मिलने के लिए ममता बनर्जी पहुंची थी उस समय लालू यादव ने उन्होंने ये कहा था कि जो ममता बनर्जी धरना दे रहे हैं मेरी शुभकामनाएं उनके साथ हैं, तो कहीं ना कहीं उनके पार्टी से भी लोग यहां पर नहीं पहुंचेंगे। साफ तौर पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं अभी कोई यहां पर पहुंचा नहीं है, लेकिन हो सकता है कि लोग धीरे धीरे जैसे जैसे दिन चढ़ेगा लोग यहां पर पहुंचेंगे, लेकिन ममता बनर्जी का साथ कितना लोगों को मिलता है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन अब तक अगर सरकार की तरफ से बात करें तो वो साथ मिलता हुआ नहीं दिख रहा है, और ममता बनर्जी जब यहां पर पहुंचेंगी उस वक्त क्या हाल होता है जरूर हम आपको दिखाएंगे, पर अभी तक यहां पर कोई नहीं पहुंचा है। लेकिन सीधे रुख करेंगे मुंबई जहां पे शिवांगी हमारे साथ मौजूद है, पिछले लगातार 22-23 दिनों से लगातार हाल बता रही है, सवेरे सवेरे उठकर एकदम कैमरे के सामने, और मुंबई की माया नगरी में लोग जो मौजूद है बताते हैं हाल जी। देखिए प्रतीक, दिल्ली की तरह यहाँ कोहरा तो नहीं छाया है, लेकिन गर्मी जो है वो दिन ब दिन बढ़ रही है, लोग जो है जैसे जैसे सूरज निकल रहा है वैसे वैसे गर्मी बढ़ रही है, और लाइन में जो लोग खड़े हैं वो काफ़ी परेशान नजर आ रहे हैं। सबसे ज़्यादा यहाँ जो सीनियर सिटीजन है उनकी लाइन है, और देखिए किस तरह से सुबह सुबह सभी लोग लाइन में आकर खड़े हो गए हैं। सर आपसे जानना चाहेंगे पैसे निकाल पाए? नहीं नहीं अभी तक नहीं। क्या कह रहे हैं बैंक?
बैंक वाले अभी टोकन दे रहे हैं, काम हो जाएगा। आपको मिले महीने का आखिरी दिन है सर, कैसे चलाएंगे? कैसे चलाएंगे महीने का आखिरी? नहीं पैसे आज नहीं जाना, बहुत परेशान है, चक्कर आ रही, खड़े खड़े सुबह से खड़े, चाय ना पानी, 7 बजे से नंबर लगा। प्रतीक, यहाँ सीनियर सिटीजन की अलग लाइन है और जो बाकी के लोग हैं उनकी अलग लाइन है। देखिए किस तरह से अब लाइन अंदर जानी शुरू हो गई है, एक बार सीनियर सिटीजन की लाइन से लोग अंदर जाते हैं और एक बार फिर ये जो नॉर्मल लाइन है वहाँ से अंदर जाते हैं। इसी के साथ आपको बताएं कि यहाँ पर कुछ देर पहले खूब हंगामा मचा था क्योंकि यहाँ पर बैंक ने टोकन देना शुरू किया था और टोकन को लेकर लड़ाई हो गई थी, तो कुल मिलाकर बैंक ऑफ महाराष्ट्र के बाहर हालात जो है वो थोड़े बेकाबू हो गए थे। अभी थोड़े संभले हुए हैं और लोग परेशान नजर आ रहे हैं। देखिए आप किस तरह से सुबह सुबह जॉगिंग करने जो लोग जाते थे मुंबई कर, जो फिटनेस फ्रीक होते हैं, वो अब बैंकों के बाहर खड़े हैं, तो आप समझ सकते हैं कि इस वक्त मुंबई करों की क्या हालत होगी। बिल्कुल शिवांगी, और इस पूरे हालचाल को जानेंगे, लेकिन अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद हम फिर वापस लौटते हैं। आप लोग लगातार बने रहिए न्यूज 18 इंडिया में, आपका एक बार फिर स्वागत है और हम मौजूद हैं कैलाश कॉलेज मार्केट के बाहर और इस तरह बातचीत के सिलसिले को एक बार फिर से जोड़ते हैं। सीधे रुख करेंगे अमित के पास जो इस वक्त संसद भवन के बाहर मौजूद हैं, नेताओं के साथ बातचीत के सिलसिले को जोड़ते हैं। नोटबंदी का मुद्दा छाया हुआ है जी। जी बिल्कुल, यहाँ पर जो नोटबंदी का मुद्दा है वो यहाँ पर साफ तौर पर आज भी यहाँ पर लगातार तीसरे हफ्ते यहाँ पर संसद में छाए रहने की इसकी उम्मीद है यहाँ पर। और खुराना जी के पास हम एक बार फिर चलते हैं, कैसे लॉक जैम से निपटेंगे आप? मुझे तो अभी तक समझ में नहीं आ रहा इन लोगों का विरोध क्यों है। अगर विरोध कर रहे हैं इसका मतलब वो विरोध कर रहे हैं काला धन वालों के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। हम यही चाहेंगे कि आपकी कोई भी बात है आप रखिए ना संसद के अंदर, बात रखिए, लेट्स डिबेट इट, उसके अंदर आपके भी कुछ पॉइंट्स आएंगे। वो कह तो रहे हैं ना, वो कह तो रहे हैं कि आप पीएम आए और संसद में आकर बयान दें। निश्चित तौर के ऊपर आप समय तो दीजिए, आएंगे ना चर्चा में भाग लेंगे या नहीं लेंगे वो तो बात की बात है, लेकिन आप चर्चा तो कराइए, आप बातें तो रखिए अपनी, लेकिन आप रखने को तैयार नहीं है। इस वक्त मैसेज क्या जा रहा है? मैसेज ये जा रहा है कि आप काले धन वालों के साथ खड़े हैं। और जो लग रहा है संसद में तो आपकी नुमाइंदगी ना के बराबर है, सड़क पर कैसे ले जाएंगे आगे? देखिए हम लोग शुरू से कह रहे हैं कि ये लोग देशभक्ति के नाम पे पूरे देश के साथ धोखा कर रहे हैं, और कल से जिस तरह से अभी एक दो दिन से जो कहा गया कि 50% दे करके उमर, इससे देश से इनका इंटेंशन, यही लोकसभा की यही ड्यूटी थी जिस पे प्रधानमंत्री कांग्रेस के भी नुमाइंदे हमारे साथ मोहम्मद खान जी, आप बताइए संसद से क्या आज भी इसी तरीके से कार्रवाई क्या डिस्टर्ब रहेगी? देखिए हम लोगों ने अपनी मांग आप लोगों के सामने रख दी है, हमने बोला मोदी जी आए जवाब दें, हम तो इनफैक्ट लुक फॉरवर्ड करें, हम कह तो रहे हैं कि आएंगे, अगर वो आएंगे हम गौर से सुनेंगे और बड़ी उम्मीद से सुनेंगे कि क्या तब तक संसद तो चलने दे। संसद देखिए चलने दे रहे हैं, आपको याद होगा लोकसभा में भी ओबिचुरीज की वो राउंड मूव किया था, राज्यसभा में भी सेशन आगे बढ़ा था, तो ये कहना उचित नहीं है कि सेशन रोक रखा। और संसद के आगे कैसे ले जाएंगे आप अपना? मोदी जी का रिस्पॉन्स आने दीजिए, उसके बाद ये भी तय हो जाएगा। तो एक तरीके से इनका कहना है कि एक बार एक प्रधानमंत्री का वक्तव्य आए, रिएक्शन आए संसद में आए। जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी हर बात को देशभक्ति से जोड़ती है, इनसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए हम लोगों को? दीजिए मुझे भी सर्टिफिकेट, इसलिए कि देशभक्ति आपकी खोखली साबित हो गई है देश के सामने। आप लोग काले धन वालों के साथ हैं, ये साबित हो गया है, काले धन वालों का काला सफेद करने में आप लोग लगे हुए हैं, और जब देश के सामने साफ हो चुका है सब काला ये है कि कुछ महीने पहले देशभक्ति की बात वो कर रहे थे और सर्टिफिकेट ये दे रहे हैं। तो ये थी राजनीतिक हलकों से प्रतिक्रिया यहाँ पर, और देशभक्ति के नाम पर एक पक्षीय कह रहा है कि देश के लिए किया जा रहा है, दूसरा कह रहा है नेताओं पर ही है। बिल्कुल अमित, जनता जरूर लाइन में लगी है लेकिन उसकी नजर नेताओं पर जरूर है, और जिस तरह से हालात है जिन पर लगातार संसद नहीं चल रही है उसको लेकर लोग नाराज भी है। अब सवाल इस बात का है कि सीधे रुख करेंगे पटना, जहां हमारे सहयोगी मौजूद है पटना में, और इस बात को बताने के लिए कि ममता बनर्जी की रैली 3 बजे होनी है, लेकिन अभी माहौल क्या है? तमाम रैलियों की तरह अभी वहां पे सरगर्मियां हैं या मामला कुछ ठंडा दिख रहा है? जी बिल्कुल, देखिए अभी मामला पूरी तरह से ठंडा है, आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं, यहाँ पर
पोस्टर लग चुके हैं नोटबंदी के विरोध, धरना साथ ही कुर्सी भी लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक कोई पहुंचा नहीं है। साफ तौर पर ममता बनर्जी का इंतजार है और कहा यह जा रहा है कि 1 बजे के बाद ममता बनर्जी यहां पर पहुंचेंगी, लेकिन अभी कार्यकर्ता भी इस धरना स्थल पर नहीं पहुंचे हैं। हालांकि एक दो लोगों से मेरी बात हो पाई है, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि जैसे जैसे दिन चढ़ेगा हो सकता है कि लोग यहां पर पहुंचे, लेकिन अब तक कोई पहुंचा नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार में ममता बनर्जी धरना दे रही हैं, लेकिन सत्ताधारी दल का इनको बिल्कुल ही सहयोग नहीं मिल रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि इससे पहले जब भी ममता बनर्जी कोई आवाज उठाती हैं तो नीतीश कुमार उनके साथ खड़े नजर आते हैं, लालू यादव उनके साथ खड़े नजर आते हैं, लेकिन ममता बनर्जी पटना में धरना दे रही हैं और उनके साथ सत्ता की तरफ से कोई नहीं खड़ा है। जी, तो विपक्ष की एकता साफ नजर आ रही है, कहां कितनी और कैसे। जी हाँ, ये सवाल लगातार बना हुआ, लेकिन सीधे रुख करेंगे शिवांगी की तरफ जो इस वक्त मुंबई में मौजूद हैं और अपडेट के लिए उनके पास चलेंगे, जो कि तमाम लोगों के साथ बातचीत कर रही थी और लोग सवाल उनसे भी पूछ रहे थे कि आखिर स्थितियां कब बदलेंगी। जी शिवांगी, देखिए प्रतीक, यहाँ पर लोग जो है वो काफी परेशान हैं, सुबह से यहाँ पर लाइन में लगे हैं और कितना अपना जो काम है उसको छोड़कर यहाँ पर आ गए हैं लोग। सर आप बताइए, आप कब से यहाँ पर लाइन में खड़े हैं? ये तो 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया। पैसे मिल गए आपको? कहाँ से मिलेगी पैसे आपको? आपको बड़ी बात है, बिल्कुल देखिए पैसे नहीं मिल रहे हैं। लोगों की परेशानी ये है कि लाइन में घंटों खड़े होने के बाद भी पैसे नहीं मिल रहे हैं, तो जाए कहाँ, महीने का आखिरी दिन है, क्या करे, बड़ा सवाल। जी शिवांगी, बिल्कुल सवाल लगातार बने हुए हैं और इन सारे सवालों को लेकर एक बार फिर हम शाम 5 बजे आपके पास मौजूद रहेंगे किसी फुटपाथ से दिल्ली के। आप बने रहिए, यूं ही मुस्कुराते रहिए।